मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. Now it's your turn. तुम कहाँ जा रहे हो? पहले प्रॉमिस करो कि वो पिक्चर तुम डिलीट कर दोगे. तुम यहाँ? चोटी, तूने मेरा हार क्यों दिया उसको? अभी ये मत बोलना कि तूने नहीं लिया. हाँ, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास. टैनी, मैं मजबूर थी. अभी कौन सा नया नाटक है तेरा? ये कोई कहानी नहीं है टैनी. ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड, सच्चा प्यार करती थी मैं इससे, पर इसने मेरी कुछ ऐसी पिक्चर्स क्लिक कर ली जो मैं किसी को नहीं दिखा सकती. और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये वो पिक्चर्स नेट पर डाल देगा. मारे दिल्ली वट प्यार में ये सभी होता है. सच्चा प्यार होता तो ऐसा क्यों होता? ये तो सिर्फ एक धोखा था टैनी. मैं मजबूर थी. अगर मेरी वो पिक्चर्स वो इंटरनेट पे डाल देता और मेरे साथ साथ हमारे पूरे खानदान की बदनामी होती. दादाजी, दादी जी, पार्थ भाई, उस तो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते. तो तेरे को खाली मेरा ही हार मिला चुराने के लिए? हाँ टैनी, तुम उस घर में नहीं थी. तुम्हारे साथ ये करना ईजी था मेरे लिए. सही बात. आज तो दुनिया में सबने टैनी का फायदा उठाया तो तू सलग क्यों पीछे हट, है ना? अब एक बात बता मेरे को, उसने वो सारी फोटो डिलीट कर दी जो तू बोल रही है? नहीं, अभी तो नहीं, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो पिक्चर्स डिलीट कर दे. अरे दिल नहीं वाट, यूं तो तू बहुत ही चतुर चालाक बनी फिरती. अभी तेरे को इतना नहीं पता, जो आदमी तेरे को एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है. तेरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं दोबारा उन फोटो के जरिए. तेरे को अपनी आंखों के सामने उसे वो फोटो मिटवानी चाहिए थी ना, फिर हार देना चाहिए था. टैनी, मैं इतनी नर्वस हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. पर अगर उसने मेरी पिक्चर्स इंटरनेट पे डाल दी तो समझ के हार के साथ खत्म. तू भी गई से जल. अब मैं क्या करूं? अभी मेरे को कुछ सोचने थे. तू घबरा मत, मेरे को अपना दिमाग चलाने थे. मेरे को एक बात बता, तेरे को मालूम है कि वो लड़का किधर रहता है? हाँ, उसका घर यही सामने है. कहीं ऐसा तो नहीं कि हार के स्ट्रेस में अब तक सोई नहीं? टैनी, फूफा जी, आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं? फूफा जी, वो टैनी हार को लेकर काफी परेशान थी तो इसीलिए उसे देखने आए. अरे वो तो मस्त माइंड ब्लोइंग अमन. अमन? अरे इसको नहीं बता सकता, टैनी से वादा जो किया है. अमन के सपनों में खोई होगी ने, मस्त माइंड ब्लोइंग सो रही होगी. वैसे माना कि वो तेरी साली आधी घर वाली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू कभी भी आके एकदम नॉक नॉक करे. तू तो अभी जाके अपनी पूरी घर वाली यानी कि तेरी होने वाले बच्चे की माँ की टेक केयर कर, समझा? चल जा अभी. वैसे वही करने आया था मैं. थैंक गॉड कि टैनी उस हार को भूलकर आराम से सो रही है. ओके फूफा जी, गुड नाइट. हाँ, गुड नाइट. बची गया, मस्त माइंड ब्लोइंग. वो जो दूसरा दरवाजा दिख रहा है ना, वही है उसका घर. यही है वो. देख लिया विकास वापस आ गया तो मेरा हाथ चुराते वक्त इतना डर नहीं लगा तेरे को? हाँ, तू एक नंबर की. मैं भी तो इतना बड़ा रिस्क उठा रही हूँ ना. चल एक काम कर, उधर जा और उधर जाके ना नजर रखना. अगर कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत फोन करना, इतना तो होगा तेरे से. अम्बे माता, आज ना मेरे को बचा लो. अगर घर में किसी को पता चला ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो 100 लीटर ऐसा फैलेगा. जे अम्बे माता की. यार ये सब कह रहे हैं कि मेरी शादी को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, फिर मुझे एक एक दिन एक एक साल की तरह क्यों लग रहा है? But it's okay. बहुत जल्दी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी और फिर मेरी चिपकली मेरे सामने ही बैठी रहेगी और मुझसे प्यारी प्यारी बातें करेगी और मुझे अपने हाथों से इंडियन चॉकलेट खिलाते हुए.
बट एक छोटी सी कंप्लेन है मुझे, तुम्हें रोमांस के मामले में ना थोड़ी सी अड़ियल हो, बट कोई बात नहीं, अमन पटेल है ना, रोमांस कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हम दोनों के मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ताला कैसे खोलूं? मेरे को पता था एक दिन तो मेरे जरूर काम आएगी मेरी बेन। चालू कैसे होता है? तो हो गया। क्या हुआ सीजन? आगे क्या? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे को उसका लैपटॉप मिल गया है। चालू भी हो गया, पर आगे नहीं बढ़ रहा है। वही रुक गया। मेरे को पता है इसको चलाते कैसे? जल्दी बता। जरूर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैं इसकी आरती उतारू क्या? आरती? सीजन सुन, मैं इसको जला दूं। हाँ ये सही रहेगा, जलाने से उसकी हार्ड डिस्क बर्बाद हो जाएगी और वो डेटा रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है ठीक है। ये अम्मे मात की अभी तेल होता तो साफ कर देती। अभी कार उसे कम चलाना पड़ रहा है। दारू तो मेरी देन है, हमेशा तू ही काम आती है। अम्बे मात की जय। स्वाहा हो गया, स्वाहा। नहीं, अभी आई हूँ तो एक काम करती हूँ, अपना हार भी ढूंढती हूँ। नहीं, वो वापस आ गए, तुम जल्दी आओ। ठीक है आ रही हूँ। सीजन मेरे को लगता है मेरा हाल लेकिन निकल लिया। टेनी तुम जल्दी आओ। सीजन उसका फोन भी इधर पड़ा है, क्या करूँ? ओह माय गॉड टेनी, वो फोटोस तो उस फोन में भी है, उसने दिखाई थी मुझे। ठीक है तोड़ देती हूँ, रुक। कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? ये रमेश भाई का घर थे, मेरे को दिखाई नहीं देता ना, और ऑटो वाला ये छोड़ गया। देखिए ये रमेश भाई का घर नहीं है, लगता है ऑटो वाले ने आपको गलत जगह पे छोड़ दिया। वैसे मैं आपको पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही थी? मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो मेरे को ना 183/36 सरस्वती कॉलोनी। देखिए ये वार्ड नंबर 9 है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। भगवान बहुत बहुत भला करे आपका। भला करे, अंधी को रास्ता दिखा रहा है। उप्स। क्या उप्स? अंधा है क्या? इतनी बड़ी खड्डी तेरे को नजर आई? मतलब तुम अंधी नहीं हो? नहीं नहीं अंधी। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मेरे घर में क्या कर रही थी? कौन हो तुम, बोलो। रुक, रुक, रुक,
वहाँ क्या हुआ, तुम भागी कैसे वहाँ से? सेजल पहले तो मैंने सोनेट बनाया था, पर जब किस्मत ही खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वो लैपटॉप उसका क्या हुआ? उसकी तो चिंता मत, उसका नंबर डाल करने के साथ सब मैंने अंतिम संस्कार भी कर दिया है, एकदम जला के रख कर दिया। और उसका जो मोबाइल था ना, उसको तो मैंने ये जोर से दीवार पे फेंक के मारा कि ना उसकी आत्मा भी मर गई होगी। टेंशन मत ले, सब कुछ मिट गया है। सीरियसली टेनी, तुम्हारे अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता था, और विकास को बैकअप लेने की आदत भी नहीं है। So I think I'm safe now. अरे जब टेनी तेरे साथ तो डरने की क्या बात? सीरियसली टेनी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ना, मैं तेरे को भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा वो कीमती हार तो उस विकास के पास चला गया ना, सारी जिंदगी सुनाऊंगी सेजल। I'm sorry टेनी, पर मैं ये एहसान भूलूंगी भी नहीं। और हाँ, तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि जब मेरी शादी होगी ना और बहुत सारे गहने बनेंगे, तो मैं सेम टू सेम वैसा नेकलेस बनवा के तुम्हें वापस कर दूंगी। पक्का? तेरे को ऐसी हवा में सुर रही तभी दे रही तू? 100% पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तगड़ा वाला प्रॉमिस। नहीं नहीं सोने दो इसे, काफी दिनों बाद सुकून की नींद मिली है। पहले उस सपने की वजह से बेचैन थी और अब वो हार। लेकिन दादाजी ने कहा सभी को नीचे आने के लिए, क्यों? मन स्वाद कर लूंगा, चलो। हर शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश यानी कि विनायक जी का आशीर्वाद लिया जाता है, और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आज हम ये पूजा कर रहे हैं। इसमें अमन की शादी का पहला निमंत्रण पत्र हम गणेश जी को सौंपेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो स्वयं यहां विराजमान होकर इस शादी को संपन्न करें।